नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष अध्यापक। ये वास्तव में ये एक ऐसा विषय है जो कि बहुत साइंटिफिक है, पर सही तरह से हमारे पास एजुकेशन को ट्रांसफर ना हो पाने के कारण हमने इसे केवल एक परंपरा मान लिया है, कि एक ट्रेडिशन मान लिया है कि हम विद्वान के पास जाते हैं, ज्योतिष देवज्ञ हमें बताता है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, इस वजह से विवाह नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही, इत्यादि इत्यादि, और आप पितृ दोष निवारण करें। पर वास्तव में पितृ दोष है क्या? नंबर एक, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे, विज्ञान के संदर्भ में इसको समझने का प्रयास करेंगे। कुंडली में पितृ दोष आसान से आसान तरीके से कैसे देखा जा सकता है और उसका निवारण है वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति कहता है पितृ दोषा, पितृ दोष का मतलब पिता से आने वाला दोष, ऐसे हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े जो इस संसार में नहीं है परंतु हमें उनसे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, हम अपने बुजुर्गों से संस्कार प्राप्त करते हैं, हम विद्या प्राप्त करते हैं, हम धन प्राप्त करते हैं, पर इन सब चीजों से बड़ी चीज जो हम प्राप्त करते हैं वो है डीएनए। एक्चुअल में जो ये पितृ दोष है ये एक प्रकार से डीएनए का दोष है। कई बार लोग पूछते हैं कि कुंडली में नौ ग्रह क्या 100% हमारे जीवन पर इफेक्ट डालते हैं? तो मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। नौ ग्रह हमारे जीवन में केवल 70% हमारे जीवन पर इम्पैक्ट डालते हैं, 20% हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी लर्निंग्स और हमारा फैमिली बैकग्राउंड, और 10% है हमारा डीएनए। आपने देखा होगा अपने समाज में सफल व्यापारी का बच्चा, उसके ज्यादा चांस है व्यापार करने के और ज्यादा चांस है व्यापार में तरक्की करने के। हमारे जैसा जो कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ वो एक अच्छा ज्योतिषकर्ता तो बन सकता है, पर अगर हम ज्योतिष को व्यापारिक दृष्टिकोण में ढालने का प्रयास करेंगे तो 5 साल, 10 साल, 20 साल भी लग जाते हैं ये समझने में कि हम अपना विस्तार कैसे करें। और ये जो सारी प्रॉब्लम है, जहां तक मैं समझता हूं, ये एक डीएनए की प्रॉब्लम है। जब हम पितृ दोष की बात करें तो हमें समझना होगा कि हम पितरों के नाम से हम अपने डीएनए के प्रति आस्था व्यक्त कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, और ताकि हमें उन बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो पाए जिनसे हमें डीएनए मिला है, जिनसे हमें आशीर्वाद प्राप्त हो कि हम अपनी जिंदगी का विस्तार कर पाए। हम अपने जीवन में विस्तार करते हैं विवाह के माध्यम से, हम अपने जीवन में विस्तार करते हैं संतान के माध्यम से, हम अपने जीवन का विस्तार करते हैं धन के माध्यम से, और इनसे भी बड़ी चीज है हंसी, खुशी, प्रसन्नता, सुख और समृद्धि। अगर ये चीज गायब हो जाए तो जीवन जो है बिल्कुल ही रस विहीन नजर आता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में भी पितृ दोष होता है उन लोगों के पास अक्सर देखा है धन तो बहुत आ जाता है पर परिवार में संस्कार नहीं आ पाते, परिवार में बच्चे बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद उनका सही समय पर विवाह नहीं हो पाता, विवाह होने के बाद संतान प्राप्त करने में उनको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, और जैसी कि डिजायर्ड सफलता उन्हें चाहिए, मनोवांछित सफलता चाहिए,
उसमें भी उनको लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये तो कुछ लक्षण हैं। जब हमारी बातचीत जारी रहेगी तो इसमें लक्षणों का हम बार बार विस्तार पूर्वक चर्चा करते रहेंगे, पर ज्यादा समय ना लगाते हुए सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि कुंडली में किस प्रकार से देखा जाए कि किस व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष है कि नहीं है पितृ दोष। तो उसके लिए यहां पर मैं मानता हूं सभी ज्योतिर्विद बैठे हुए विराजमान हैं, तो आज मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम जो बताऊंगा D12 चार्ट द्वादमंचा D12 चार्ट के माध्यम से हमें पितृ दोष देखना चाहिए। उसे कुछ लोग DNA चार्ट भी बोलते हैं या सूर्यमांशा चार्ट भी बोल सकते हैं। यह वह चार्ट है जिसमें पितृ दोष का इतना स्पष्ट आकलन लग जाता है और उसके माध्यम से जब हम रेमेडी करते हैं तो बहुत सटीक होती है और हमें ये पता चल जाता है कि जो पितृ दोष है वो कितना सीवियर है, कितना ज्यादा हमारे लिए बाधा पेश कर रहा है, हमारे जीवन में कितनी समस्याएं पैदा कर रहा है। जो समस्याएं आएंगी उनका लेवल क्या है, क्योंकि ज्योतिष में किसी चीज को एग्जैक्टली माप लेना ये बहुत ज्यादा दुष्कर होता है। और आम ज्योतिषाचार्य जो अभी अभी यात्रा जिन्होंने आरंभ की है, जिन्होंने अभी सीख रहे हैं और ज्यादा समय नहीं हुआ है इस क्षेत्र में, उनके सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि पितृ दोष तो देख लिया पर ये नहीं बता पा रहे हैं हम लोग कि इसकी सीवियरिटी क्या है। उसके लिए बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, सीधा D12 चार्ट में जाएं और D12 चार्ट में आपने ये देखना है कि सूर्य कुंडली में सूर्य कहां पर किस भाव में विराजमान है। ये मैं D12 चार्ट के बारे में बता रहा हूं। D12 चार्ट में कुंडली में सूर्य कहां पर विराजमान है। अगर आप में से सभी विद्वानगण बैठे हुए विराजमान हैं, आप लोग भी अपनी कुंडली देख सकते हैं ताकि आप उससे कोरिलेट कर पाए। तो सूर्य जहां पर विराजमान है, सूर्य के नवम भाव से आपने देखना है कि वहां पर कहीं राहु ग्रह तो विराजमान नहीं, कहीं सूर्य के साथ राहु तो विराजमान नहीं। जहां पर सूर्य बैठा है उसके सेकंड भाव में कहीं राहु विराजमान तो नहीं। यहां पर एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, राहु ग्रह ही पितृ दोष लगाता है। यदि सूर्य से के साथ राहु बैठा हो, सूर्य के सेकंड हाउस में राहु बैठा हो, सूर्य से फिफ्थ हाउस में राहु बैठा हो या सूर्य से नवम भाव में यदि किसी भी व्यक्ति के राहु ग्रह विराजमान हो तो ये समझे कि पितृ दोष है। पितृ हमसे काफी हद तक नाराज है। हमारे पूर्वज अपने पूर्वजों को वो डिलीवर नहीं कर पाए जैसा वो चाहते थे। अंतिम समय में उनकी कुछ इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई। अभी इच्छाओं की पूर्ति का क्या मायने है? इच्छाओं की पूर्ति का मायने होता है या तो हम उनका सही तरह से रेस्पेक्ट नहीं कर पाए हैं, उनकी सेवा नहीं कर पाए हैं, उनके भोजन इत्यादि रहने के विषय में हमने कोताही बरती है और अंतिम समय में उनको बड़ी पीड़ा पहुंची है जिसके कारण उनकी आत्मा मरने के बाद एक पीड़ित अवस्था में शरीर को छोड़ करके गई है। आत्मा अपने साथ कर्म और संस्कार लेकर के जाती है और वो आत्मा जब पीड़ित होगी तो आने वाली पीढ़ियों पर वो स्पष्ट रूप से लक्षण के रूप में बताएगी कि हाँ पितृ दोष है। जब भी कुंडली में ये स्थिति बनती है ये दिखाती है कि आपके पूर्वज आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं थे, आपके परिवार ने
उनकी सेवा नहीं की। क्योंकि मान लीजिए अगर मेरी कुंडली में पितृ दोष है तो इसका मेरा क्या कसूर हो सकता है? ये तो हमारे पिता दादा इन लोगों का कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिनकी वजह से ये हुआ। परंतु वे आत्माएं केवल मात्र ये चाहती हैं जो चीज तुम नहीं कर पाए वो मरने के बाद हमारी गति करवाने की जिम्मेवारी है। इसलिए वो आत्माएं कुछ कष्ट प्रदान करती हैं, क्योंकि जब तक रुकावट पैदा नहीं होगी हमारे जीवन में, हम पता लगाने की भी कोशिश नहीं करेंगे कि इन रुकावटों के पीछे कौन जिम्मेवार है। अब ऐसे में मनुष्य खुद का दिमाग बहुत दौड़ाता है, और दिमाग लगाने के बावजूद भी जब समस्या का हल नहीं होता तो हम ज्योतिषी के पास जाते, देवज्ञ के पास जाते और उनके सामने अपनी कुंडली को रखते हैं और पूछते हैं कि ये जो समस्याएं आ रही हैं उसके पीछे कारण क्या है। हमारा लड़का बहुत सुंदर है, हमारा लड़का बहुत सुशील है, बहुत पढ़ा लिखा है, देखते ही पसंद आ जाता है, पर फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? जब हम कारण समझते हैं फिर हमें समझ में आता है अरे इसके पीछे तो पितृ दोष है। पितृ केवल हमसे चाहते हैं कि हम उनकी शांति करवाएं, हम उनकी आत्मा को बलाबल देने के लिए कुछ उत्तम कर्म करें, कुछ अच्छे कर्म करें जिसके कारण उस आत्मा को बल प्राप्त हो और वो अगला जन्म जल्दी से जल्दी शीघ्र प्राप्त कर पाए। या तो जो बहुत ही जिनके कर्म खराब होते हैं वो आत्माएं तुरंत गर्भ धारण कर लेती हैं, परंतु जिनके ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, मिडल में होते हैं, तो बेचारे फंस जाते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि हमें ऊपर का लोक प्राप्त हो, हमें कोई दूसरा गर्भ जल्दी से प्राप्त हो जाए जिसके कारण हमें मुक्ति मिले और नया शरीर प्राप्त हो जाए। ऐसे में पितृतर्पण, पिंडदान और नाना प्रकार के कर्मकांड हमारे धर्म शास्त्रों में लिखित हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले फिर से वहीं पर आते हैं कि ये पितृ दोष और किस प्रकार से देखा जाता है। जब भी कुंडली में पिता पुत्र एक साथ हों, जो कि ग्रहों में पिता पुत्र माने जाते हैं, जैसे कुंडली में सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, यदि ये दो ग्रह एक साथ बैठ जाएं या एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध बना लें, या तो युति बना लें या दृष्टि संबंध बना लें, तो ये भी पितृ दोष होता है। दूसरा, जैसे बुध ग्रह और चंद्रमा ग्रह, चंद्रमा पिता है, बुध पुत्र है, परंतु शत्रु हैं, और यदि एक साथ ये बैठे तो भी पितृ दोष बनता है। इसी प्रकार से अगर ये पिता पुत्र की संबंध अगर हम देखते हैं कुंडली में, चाहे वो युति के कारण हो या दृष्टि संबंध के कारण हो, तो आप समझिएगा ये दोष कुछ ज्यादा है। पितृ उग्र है, यदि राहु की प्लेसमेंट भी जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से है, और अगर आप देखते हैं सूर्य शनि कुंडली में एक साथ बैठे हैं, तो आंख बंद करके आप किसी को भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ये बंदा कई तरह के काम करता रहेगा, बदलता रहेगा, ना इसके जीवन में स्टेबिलिटी होनी है, ना ही इसको अच्छी फैमिली लाइफ मिलनी है, मैरिज टिकनी नहीं है। पहली बात तो विवाह होना मुश्किल, अगर विवाह हो जाए तो उसका चलना मुश्किल है। ये सिर्फ देखने मात्र से ही आप बता देना 100% चीज निकल करके आएगी। अब हमने समझना है कि उग्र पितृ दोष क्या है। उग्र पितृ दोष का मतलब पितृ दोष तो है पर वो उग्र अवस्था का है। उग्र अवस्था में अक्सर परिवार में गाली गलौज का वातावरण रहता है, भाई भाई का दुश्मन रहता है, पिता पुत्र का दुश्मन रहता है,
आपस में परिवार वाले लोग ही एक दूसरे के ऊपर मुकदमा करके खड़े हो जाते हैं। चाचा ताऊओं में इतना बुरा हाल रहता है कि चाचा ताऊ एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, फूटी आंख नहीं सुहाते। इतना ज्यादा नेगेटिव वातावरण होता है कि लोग शत्रुओं से घिर जाते हैं, बदनामी का खतरा बना रहता है और या व्याधियां उनके घर में डेरा डाल करके परमानेंट बैठ जाती हैं। ये उग्र पितृ दोष की निशानी है। आइए, ये तो था D12 के माध्यम से किस प्रकार से देखा जाए पितृ दोष को। अब हम सामान्य रूप से D1 यानी कि जो आपकी लग्न कुंडली है, इस लग्न कुंडली के माध्यम से किस प्रकार से पितृ दोष को देखते हैं, उस विषय पर हम चर्चा करते हैं। नवम भाव, जिसे कि पिता का भाव भी कहा जाता है, इसका कारक ग्रह गुरु है। यदि किसी कारण से भी नवम भाव पीड़ित हो जाए, नवमेश पीड़ित हो जाए या नवम भाव का कारक ग्रह गुरु पीड़ित अवस्था में आ जाए तो भी पितृ दोष होता है। पर ये पितृ दोष मात्र अप्रसन्नता दिखाता है कि बस इतना है कि पितृ खुश नहीं। तो ऐसे में केवल मात्र अमावस्या वाले दिन पितरों को नमस्कार करने से, उनके निमित्त कुछ भोजन दान या उत्तम नदी या पवित्र नदियों में स्नान इत्यादि करने मात्र से पितृ दोष का प्रभाव नगण्य हो जाता है। जैसे गुरु ग्रह के साथ राहु बैठ जाए तो ये दिक्कत वाली बात है, नवम भाव में राहु बैठ जाए तो भी ये दिक्कत वाली बात है, तो भी ये हमारे जीवन की वृद्धि में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैदा करते हैं, इस चीज को हमें समझना होगा। तो ये कुछ मैंने तरीके बताए आप लोगों को पितृ दोष को सामान्यता देखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। वैसे तो पितृ दोष को देखने के अनेकों अनेक तरीके हैं, फिर भी मैं आप लोगों को यही कहूंगा सबसे जो आसान तरीका है वो D12 चार्ट के द्वारा देखने का है, जो कि बहुत ही सटीक है। फिर भी हम D1 के माध्यम से कैसे देखें। यदि D1 चार्ट में फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, फर्स्ट हाउस में राहु, सेकंड हाउस में राहु, फिफ्थ हाउस में राहु और नाइन्थ हाउस में राहु यदि विराजमान है, तो आप समझें कि ये पितृ दोष की निशानी है। और ज्योतिष में मैं टीचर हूं, 15 सालों से मैं ज्योतिष को सिखाने का कार्य कर रहा हूं। मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा एक बात कहता हूं, अगर आप किसी योग को कुंडली में देखते हैं और आपको कोई डाउट होता है कि ये योग बन रहा है या नहीं बन रहा, तो हमेशा उसके लक्षणों को चेक करो, उनके सिम्टम्स को चेक करो, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं। जैसे आपको समझना है कि राहु फर्स्ट हाउस में है या सेकंड हाउस में है, तो क्या पितृ दोष के लक्षण इनके जीवन में हैं, तो उसका सामान्यतः लक्षण यह है वो व्यक्ति स्ट्रेस ज्यादा लेगा, स्ट्रेस लेने की उसमें आदत होगी, चाहे राहु फर्स्ट हाउस में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे फिफ्थ में हो, चाहे नाइन्थ में हो, वह आदतन दुखी मिलेगा। उसको आदत है दुखी रहने की, कष्ट में रहने की। पर हाँ, हमेशा हर चीज के पीछे जहाँ नेगेटिव चीज है वहाँ पॉजिटिविटी भी होती है, इसलिए कुंडली देखते समय सही सही आकलन करना चाहिए। जहाँ पर हम कोई नेगेटिव योग देख रहे हैं वहीं पर
पॉजिटिव योग भी देख लेना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और गुरु ये दो ग्रह बलवान हैं, वेल प्लेस्ड हैं, तो पितृ दोष का प्रभाव नगण्य हो जाता है, वो इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा। तो ये चीज समझ गए आप लोग कि राहु का इन भावों पर इम्पैक्ट, प्लस अगर आपने देखा कि सूर्य और गुरु की स्थिति बलवान है, उत्तम है, तो प्रभाव नेग्लेक्ट हो जाएगा। वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो स्ट्रेस नहीं लेता, बल्कि उल्टा ये हो जाएगा कि फर्स्ट हाउस में राहु बैठ करके उसको बहुत अच्छा स्ट्रेटजी मेकर बना देगा, वो बहुत अच्छी प्लानिंग बना सकता है, वो बहुत अच्छी कूटनीति का जानकार हो जाएगा, वो बहुत अच्छी पॉलिटिक्स को समझने वाला हो जाएगा। तो ज्योतिष में बहुत सारे परमोटेशन कम्बिनेशन होते हैं, केवल एक पक्ष ही ना देखा जाए, किसी भी फिल्म का मात्र एक पक्ष ना देखा जाए, बल्कि सभी पहलुओं की सही ढंग से आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए। उसी के बाद ज्योतिषाचार्य को किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, तो ये बात बनेगी। सबसे पहले अपने आप को समझें कि हम लोगों के घावों पर मल्लम पट्टी करने वाले लोग हैं, हमें लोगों को डराना नहीं है, हमें लोगों को मिसगाइड नहीं करना, हमें लोगों को आधी अधूरी जानकारी नहीं देखनी देनी है, हमें सही सही एग्जैक्टली बताना है कि सूर्य पिता है और अगर पिता बलवान है तो इसका अर्थ यह है हमें पिता से जो संस्कार मिले हैं उन संस्कारों के कारण हम अपने पितृ दोष का निवारण करवाने में सक्षम है। अब प्रश्न उठता है, अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं कि साहब ये जो पितृ तर्पण करवाना है, पिंड दान कराना है, पितृ दोष निवारण करवाना है, ये हम कैसे कराएं और परिवार में किसे करवाना चाहिए। वैसे तो नियम ये है कि घर का जो मुखिया होता है उसे ये पितृ दोष निवारण विधि करवानी चाहिए, पर मैं यहां थोड़ा सा अलग हट करके एक बात कहना चाहता हूं। ये सूत्र है, अगर आप जब कुंडलियां देखें तो पूरे परिवार की कुंडली देखें और ये देखें कि किस व्यक्ति का शनि ग्रह उत्तम है। शनि ग्रह जिस भी व्यक्ति का उत्तम होगा उसके माध्यम से ये कर्मकांड करवाया जाना चाहिए। शनि ग्रह तपस्या का ग्रह है, शनि ग्रह तपस्या का ग्रह है और शनि ग्रह पितरों का उद्धार करने वाला ग्रह है, यानी कि पितरों को मुक्त कर देता है, जीवन को गति दे देता है, क्योंकि वो न्यायाधीश है, वो न्याय करता है, वो तप के बल पर जो भी उसके पुण्य है उसके बला बल के आधार पर उस आत्मा को आगे मुक्ति देने का कार्य करता है। जिन लोगों का शनि कमजोर होता है उनको एक कंप्लेंट बार बार मिलती है कि साहब हम पितृदोष शांति कराते हैं, कई बार करवा चुके, हमें कई लोगों ने पहले भी बताया है, परंतु जब भी किसी के पास जाते हैं वो एक ही बात बताता है कि पितृदोष है आपकी कुंडली में, पर ये तो हम उपाय कई बार कर चुके, फिर भी जो लक्षण पितृदोष के बताए जाते हैं वो सभी के सभी लक्षण हमारी कुंडली में भी हैं और हमारे जीवन में भी हैं। तो ऐसे में जब तक उस व्यक्ति का शनि कमजोर हालत में है उन्हें बार बार ये उपाय करने से भी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, उनको मार्ग बताओ, दो मार्ग बताएं, हमें उनका शनि को थोड़ा सा ठीक करना है। ठीक करने का मतलब हम कोई भी ज्योतिषी किसी भी ग्रह को ठीक नहीं कर सकता, अपितु हमें उन ग्रहों के अनुसार उन कर्मों को उनके जीवन में लेकर के आना है जिनसे उस ग्रह का बलाबल बढ़ जाए,
ये प्रतीक हैं, ये सिंबॉलिक हैं, और हमने वही कार्य को करना है। पहली चीज तपस्या, हमें तप करने की बात को कहना चाहिए। तपस्या वो ऋषि मुनियों वाला तप तो आज के समय में पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा तप उन्हें कहें, चाहे आप अपनी जिंदगी का पूरे दिन में आधा घंटा या एक घंटा मंत्र पाठ के लिए दें। कोई भी मंत्र, चाहे वो सूर्य का मंत्र जाप करें, चाहे गायत्री मंत्र। मेरा निजी अनुभव है कि गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। उन्हें अपने जीवन में जाप करने पर, पाठ करने पर पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। सूर्य यज्ञ करने से, सूर्य का हवन करने से, सूर्य के मंत्रों का जाप करने से, खासकर सूर्य के वैदिक मंत्र का पाठ करने से पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। अगर वो ऐसा नित्य करना आरंभ कर देते हैं, ये सहज तरीका है, आसान तरीका है अपने परिवार को पितृ दोष से मुक्त कराने के लिए। यदि सभी घर वाले मिलकर के करते हैं तो ये बहुत जल्दी कष्ट का निवारण बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है, अन्यथा काफी लंबे समय तक इस चीज से जूझना पड़ता है उस परिवार को। दूसरा तरीका है कर्मकांड का। जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध है, पितृ तर्पण है, पिंड दान है, किसी भी, जैसे हम लोग, मैं गुड़गांव में रहता हूँ तो अक्सर मैं कहता हूँ कि भाई आप जो है गंगा नदी, हरिद्वार चले जाएं, ऋषिकेश चले जाएं, गढ़मुक्तेश्वर चले जाएं, और शुभ तिथि केवल और केवल अमावस्या। सनेचरी अमावस्या हो तो बहुत ही अच्छा, भौमश्री अमावस्या हो तो और भी उत्तम, नहीं तो केवल अमावस्या पर भी उन्हें जा करके इसे किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण की मदद से, किसी अच्छे दैवज्ञ की मदद से, जो इस क्रिया में पारंगत हो, उनकी मदद से ये पिंड दान इत्यादि करवाना चाहिए। अब तीसरी चीज दान। दान जरूर बताएं। दान देने से आत्मा का बल बढ़ता है। अब प्रश्न ये उठता है, जी दान तो ऐसे कैसे दे दें, किसको दें, किसको ना दें, लोग दारू पी लेंगे जी, जुआ खेल लेंगे जी। हर व्यक्ति को, मैं ज्योतिषी को, मैं एक ही बात बताऊंगा, आप अपने यजमान से कहे एक रुपया का दान पढ़ दे, सिर्फ एक रुपये का दान पढ़ दे से शुरू करो। 30 दिन तक एक एक रुपया देना है, हर आदमी तैयार हो जाएगा। मुद्दा ये नहीं कि दान एक रुपया जा रहा है या 100 रुपया जा रहा है या 1000 रुपया जा रहा है, दान करना एक हैबिट है, और हम हिंदुओं में वो हैबिट नहीं डेवलप हुई है, और जब तक हम हिंदुओं में ये हैबिट डेवलप नहीं होती है तो हमारे लिए अचानक से दान करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ब्रेन ऐसी ही चीज है, जिस चीज का हमें अभ्यास नहीं होता वो कार्य हमें बड़ा दुष्कर नजर आता है। अब साल में एक बार गंगा जी में पहुंच गए अमावस्या वाले दिन, वहां पंडित जी ने कहा दे दो जी 2100 रुपए, अब उसके लिए बड़ी समस्या हो गई। दान कभी 1 रुपया नहीं किया और वहां तो 2100 की बात आ गई, और फिर उन्होंने कहा जी सफेद वस्त्र दे दो, वो समस्या हो गई। फिर वो कहते हैं जी ये लूटते हैं, ये फलाना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। हमें हमारे संस्कारों का, हमें हमारी परंपराओं का ज्ञान नहीं है, उसके पीछे कर्म कांड कराने वाले ब्राह्मण ही जिम्मेवार है, क्योंकि वो साइंटिफिक वे से नहीं बता दे कि इस सफेद वस्त्र का क्या सिग्निफिकेंस है, इस धन का क्या सिग्निफिकेंस है, पिंड दान का क्या सिग्निफिकेंस है, ये पिंड दान में जो पिंड बनाए गए हैं उसमें जौ के आटे का क्या सिग्निफिकेंस है, उसमें काले तिलों का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हम आने वाली पीढ़ियों को ये सब चीज साइंटिफिक वे में बताएं कि जौ जो है उसका संबंध राहु से है, और राहु ही हमारे जीवन में
पितृ दोष की स्थिति को दिखाता है। अगर राहु की स्थिति ठीक नहीं होगी तो पितृ दोष हमारी कुंडली में होगा, तो अचानक से क्या होगा, उनको झटका कभी नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला दोष है, हमने अगर इसे प्रेजेंट में नहीं रोका तो आने वाली संतानों पर ये बढ़कर के आएगा। जैसे अगर पहली पीढ़ी में केवल पितृ दोष की आया और उसमें सिर्फ इतना आया कि बस अप्रसन्न है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु उससे अगली पीढ़ी में अगर उसका समाधान नहीं किया गया तो अगली पीढ़ी में पूरा पितृ दोष आएगा और उससे अगली पीढ़ी में उग्र पितृ दोष आएगा। जैसे कि पंचम भाव में मान लीजिए राहु और मंगल एक साथ बैठ गए, अब राहु पंचम भाव में बैठा और वहां पर मंगल भी बैठ गया, अंगारक दोष भी हो गया, अब ये उग्र पितृ दोष की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को महाक्रोध आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब दो ही रास्ते हैं, क्रोध को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ बेवकूफे वाली बात है कि कह दो अरे भाई गुस्सा मत करा करो, अरे भाई ये तो उसको भी पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, हम कौन सा नई बात बता रहे हैं। हमें उसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है, कहां पर, हार्ड वर्क में। अब हार्ड वर्क कैसे करेगा, हार्ड वर्क करने का उसको तो हरेक का गुस्सा आता है, वो तो सिस्टम के खिलाफ खड़ा है, वो तो रिबेलियस है, वो तो विरोधी तत्व बन गया, वो इस संसार का विरोधी बन गया, वो इस संसार इस सिस्टम का विरोधी, उसको किसी भी अन्यायपूर्ण बात में विरोध करना ही करना है, और इस संसार में तो अन्याय हर जगह हो रहा है, वो किस किस से लड़ता फिरेगा, उसकी जिंदगी तो लड़ने में झगड़ने में और लोगों को सुधारने में निकल जाएगी, तो वो अपनी जिंदगी को कब बनाएगा, हंसी खुशी जीवन को कैसे जिएगा। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम जीवन में सबसे लड़ते रहें और सबको सबक सिखाते रहें और खुद लड़ लड़ के मर जाएं, या हम अपने जीवन में आनंद पूर्वक रहें, हम अपने जीवन में शांति पूर्वक रहें, हम मेडिटेशन का आनंद लें, हम परमात्मा का रस का आनंद लें, हम भक्ति का आनंद लें, हम ज्ञान रस का आनंद लें, हम गीता जैसे भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए शब्दों के अर्थ को समझने में अपना समय गुजारें, हम भागवत का आनंद लें और इसमें इतना आनंद रस है कि बस पूछो मत। ये दो रास्ते हैं, पर जब हमें दूसरों को सुधारना होता है तो हम इस आनंद से साइड में होना पड़ता है। तो ऐसे में हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को सही करने के लिए हमें अभी से संस्कार डालने होंगे, अभी से बच्चों को समझाना होगा और कुछ ऐसे कर्म को, ऐसे कर्मों को अपने जीवन में लेकर के आना पड़ेगा। अगर जाने और अनजाने में किसी भी कारण से हमारे पितरों में किसी भी प्रकार की नाराजगी हमारे पूर्वजों के कारण रही है, तो हम कुछ इतने अच्छे कर्म करें कि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। एक कहावत कही जाती है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सात पीढ़ियों में यदि एक भी भक्त पैदा हो जाए तो वो सात पीढ़ियों को तार देता है, यानी सात पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। सात पीढ़ियों में एक भी तपस्वी पैदा हो जाए, एक भी तपस्या करने वाला व्यक्ति पैदा हो जाए तो वो सातों पीढ़ियों को तार देता है। इतना जबरदस्त है ये चीज, पर एक कौन होगा वो भी बड़ी बात है। तो एक तपस्या योग होता है, वो कुंडली में देखने की आवश्यकता है, उसे हम D20 चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं, D60 चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। मित्रों, मैं यहाँ पर एक बात रखना चाहूंगा कि एस्ट्रो पाठशाला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसमें मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर उसमें रहते हैं, हमारी टीम के लेक्चर हैं एस्ट्रो पाठशाला के, तो आप उसमें ये तपस्या योग, शारदा योग, वसुमती योग और पूरे पूरे डेढ़ दो दो घंटे की क्लासेस हैं। अगर किसी को और जानकारी चाहिए तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी एक दो दिन पहले ही सौम्य रंजन ने बताया था इस विषय के ऊपर।
मेरा एक वीडियो आज या कल में आ जाएगा जो 3.5 घंटे का है पितृदोष के ऊपर। तो ये पितृदोष एक ऐसा विषय है जिस पर जितना मर्जी बोल लो आप सुबह से शाम तक, बहुत विस्तार है इसमें। ये तक पता लग जाता है कि पितृ के रूप में कोई छोटा बच्चा है जो पितृ बना है, कोई जवान बच्चा है, कोई यंग है जिसकी शादी नहीं हुई, उसके क्या योग बनते हैं, या कोई स्त्री है, कोई महिला है, या कोई कन्या है छोटी, या हमारे ननिहाल की तरफ से है, या हमारी माता की तरफ से है, क्योंकि पितरों के भी कई कई वो रूप होते हैं। हमारे मैटरनल और पैटरनल दोनों ही तरफ से कोई कोताही बढ़ती गई है तो उसका खामियाना हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, मातृ दोष, मातृ श्राप भी उसे लाल किताब में मातृ श्राप कहते हैं, हमारे यहां पर मातृ दोष कह देते हैं। बात एक ही है। जैसे कि केतु ग्रह यदि 4th हाउस में हो तो इसे मातृ ऋण कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, मातृ ऋण का मतलब मां का ऋण, मां का कर्जा, यानी कि मां उसके ऊपर एक लायबिलिटी बन गई। अब वो ऐसी परिस्थितियों में फंसेगा कि मां उसके साथ रहेगी और उसको मां की जबरदस्ती सेवा करनी पड़ेगी और मां तंग भी करेगी, दोनों ही बात। अब मां तंग तो किसी की नहीं करती बेचारी जाने अनजाने में, अब तंग तो किसी की मां नहीं करती, हर मां चाहती कि हम बेटे के साथ बहुत अच्छे से रहे, बेटा उसका अपना है, तो मां अपने बच्चों से हमेशा प्रेम करती है। पर कभी कभी मां भी ऑब्सेस हो जाती है अपने बेटे के साथ और पता चला बेटे के और बहू के आपस में संबंध खराब हो गए सिर्फ मां के कारण, और मां ही कारण बन रही है उन दो पति पत्नी के बीच में संबंध खराब होने का, ये भी दोष है, ये भी फंस जाए। या मां को कोई बीमारी हो जाए। और एक चीज ध्यान रखना, जिस भी व्यक्ति का केतु 4th हाउस में हो उसकी मां को घुटने की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, आंख बंद करके कह देना कि उनके घुटनों में समस्या रहती है क्या, या एसिडिटी की प्रॉब्लम बड़ी तीव्र रहती है क्या, वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल रहती है, आपको मैंने सिंपल लक्षण बता दिया। पर केवल मां कारण ऐसे ही नहीं, इसके और भी कारण है। राहु चंद्रमा एक साथ हो पर भाव वही होने चाहिए, पहला भाव, दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, इनको नहीं भूलना। और यहां पर चंद्रमा साथ में बैठा हो, मां की तरफ से आने वाला दोष हो गया। इसी प्रकार से शनि ग्रह के साथ चंद्रमा विराजमान हो जाए, जिसे हम सामान्य भाषा में विष दोष कहते हैं। अब विष का मतलब जहर, कि मन में हमेशा जहर घुलता रहता है व्यक्ति के, किसी ना किसी बात को लेकर के वो मन में जहर घोल के बैठा रहता है। रिग्रेट्स बहुत होते हैं उसके जीवन में, मैंने उस समय ये किया होता तो ये होता, मैंने वो गलती करी, मैंने पास्ट में वो गलती करी, मैं बेवकूफ हूं, मैं गधा हूं। सेल्फ क्रिटिसिज्म में बहुत जल्दी चला जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके सभी सभी लक्षण अलग अलग हैं, उनके निवारण अलग अलग हैं। तो ये इस प्रकार से हम मातृ ऋण, पितृ ऋण के बारे में पता करते हैं। वास्तव में हमारे ये DNA की कमजोरी को परिलक्षित करता है। हमारा DNA हमारे पूर्वजों के गुण, स्वभाव, प्रकृति और उनकी सोच को दिखाता है। और सबसे मुश्किल काम यही होता है, अपने DNA को चेंज लेके आना। चेंज पूर्णतः तो नहीं किया जा सकता, पर उसमें कुछ रिफाइननेस लाई जा सकती, और रिफाइननेस लाने के लिए हमें अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार सीखने पड़ेंगे, हमें अच्छा ज्ञान सीखना पड़ेगा। अगर हम इस रास्ते पर चलने लग जाते हैं तो भी ऑटोमेटिक पितृ दोष का निवारण होने लग जाता है। वैसे तो पुस्तकों में बहुत तरह तरह के उपाय दिए हुए होते हैं, पर मैं अक्सर जो बताता हूँ वो यही बताता हूँ, पितृ तर्पण पिंड दान या गायत्री मंत्र का पाठ,
सूर्य मंत्र का पाठ, यही सब मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। और दान, दान अधिक से अधिक प्रेरणा दें उन्हें दान करने की, तो बहुत अच्छी बात है। अपने पूर्वजों के तिथिवार पर, पुण्य तिथि पर दान कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। चाहे आप पशुओं के लिए करें, गायों को दान करवाएं, गोदान भी बहुत उत्तम है। उत्तम तिथि पर गौदान करना भी पितृ दोष के निवारण में बहुत। एक और उपाय हो सकता है जो कई बार मैंने कराया है और लोगों को रिलीफ मिला है, वो क्या उपाय है? अधिक से अधिक पीपल के वृक्ष लगवाना। हम सभी जानते हैं ये कर्म कांड का हिस्सा है। वैसे तो हमारे यहाँ पर मरने के बाद उस आत्मा के पानी पीने के लिए एक घड़े में हल्का सा छेद करके पीपल के पेड़ पर लटका दिया जाता है, घट बना दिया जाता है। हम कहते हैं घट बना दिया ये, और उसमें पानी डाला जाता है रोज। उसका जो भी बेटा है या जो भी रिश्तेदार है वो जा करके उसमें जल देता है। उस बात का प्रतीक है कि हम उस आत्मा को तृप्त करने के लिए जल प्रदान कर रहे हैं। तो वो पेड़ जो होता है वो पीपल का पेड़ होता है, और पीपल के पेड़ में सर्व देवी देवताओं का वास होता है, खास करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। और ये माना जाता है कि हम लोग अपने परिवार से, मरने वाले व्यक्ति को अपने परिवार से उस आत्मा को दूर ले जाने के लिए अक्सर दूर वीराने में या किसी तीर्थ पर या किसी तालाब के किनारे, शिव मंदिर के किनारे जहाँ पर पीपल का वृक्ष हो, वहाँ पर हम उस घट को का निर्माण करते हैं, और जिससे आत्मा का वास कुछ दिनों तक पीपल के वृक्ष पर होता है। बृहस्पति से ग्रह से पीपल का संबंध है। गुरु, ब्राह्मण, पीपल और मंदिर, ये चार चीज बृहस्पति की चीजें हैं। बृहस्पति की क्षमता को, बृहस्पति को जितना शुद्ध बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपके पितृ दोष का निवारण होता चला जाता है। ये कुछ उपाय हैं जो आप आने वाले लोगों को बता सकते हैं। अभी जो आप एक चीज का ध्यान रखना, खास करके सन 2000 के बाद होने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा आपको पितृ दोष मिलेंगे, उनमें सबसे ज्यादा मैरिज की प्रॉब्लम आपको देखने में मिलेगी, उनमें गुस्सा बहुत मिलेगा, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन बहुत मिलेगी आपके अंदर, उन बच्चों के अंदर। और पितृ दोष के मिलने के चांस 70-90% तक उनकी कुंडलियों में मिलेंगे। क्या चीज प्राप्त हो जाने पर वो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, इस बात को वे स्वयं ही नहीं जानते। पितृ दोष वाली कुंडलियों में एक और बात बता दूं आपको, धनयोग अच्छा मिलता है। सिर्फ 10% कुंडली होती हैं जिनमें गरीबी का योग, दरिद्र योग भी साथ में पाया जाता है। अगर हम उनको छोड़ दें तो खास करके पितृ दोष वाली कुंडलियों में अक्सर धन के योग अच्छे मिलते हैं, क्योंकि वो धन कमाने के प्रति इतने ज्यादा ललायित रहते हैं कि सारा दिन धन के पीछे भागते रहते हैं। इसलिए उन्हें भागवत कृपा नहीं प्राप्त होती, उन्हें आत्म संतुष्टि नहीं प्राप्त होती और आपस में प्रेम नहीं मिलता। अगर घर में चार सदस्य हैं तो हर एक का कमरा अलग अलग मिलेगा, हर आदमी अलग अलग कॉर्नर में बैठा होगा, एक दूसरे से टू द पॉइंट बात होगी। परिवार तो होगा पर परिवार में परिवार जैसी बात नहीं होगी, ये पितृ दोष का लक्षण है। तो मैंने आज कई लक्षण आपको बताए। कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहता हो तो लोग ज्यादातर जी। रमेश जी, मैं देखिए बहुत ही सिंपल मैं यहाँ पर उपाय एक ही कहना चाहूंगा कि नंगे पांव मंदिर में कोई जा सके तो एक समय सुबह या शाम, जो भी घर के पास नियरेस्ट मंदिर हो, टेम्पल हो,
क्योंकि अगर नंगे पांव जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, अपने घर से मंदिर तक अगर नंगे पांव चल करके जाते हैं, तो ऐसे में शनि ग्रह हमें विशेष कृपा मिलती है, शनि ग्रह की विशेष कृपा मिलती है। और जब भी शनि ग्रह हमारे ऊपर कृपालु होते हैं, पितृ दोष का समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है, जो कि बहुत इजी है मेरे हिसाब से। दूसरा, अगर कोई महिलाएं, अगर पुरुष सारे के सारे बिजी हैं, तो अमावस्या वाले दिन खीर बना करके अगर किसी भी आस पड़ोस के मंदिर में दे के आ सके, किसी ब्राह्मण को दे करके आ सके, तो बहुत जरूरी है। यहां मैं एक बात और उठाना चाहूंगा, कई बार लोग अक्सर पूछते हैं कि पंडित ही क्यों, ब्राह्मण ही क्यों, हम गरीब को देना चाहते हैं, तो उसके पीछे उन्हें रीजन बताइए जुपिटर में कि क्या क्या कहा गया है। ब्राह्मण बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधि है, इसलिए कुछ दान केवल ब्राह्मण को ही देना चाहिए, बृहस्पति का दान भूल करके भी गरीब को नहीं देना चाहिए। गरीब को दान की दीजिए, पर बृहस्पति के नाम का मत दीजिए। उन्हें खूब खिलाएं पिलाएं, मिठाई खिलाएं, जो मन करे कपड़े बांटें, धन दें, जो देना दें गरीबों को, तो आपने ब्राह्मण को दान देना है। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज यही है कि भाई मंदिर में जो पाठ पूजा कर रहा है, तो आप जो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, वहीं पर जाकर के उन्हें दान दे दें, मतलब खीर खिला दें। कौन खाता है साहब, किस्मत होगी तो आप लोगों की कोई ब्राह्मण खा भी लेगा, अन्यथा आज के समय में उसकी कोई कमी नहीं। पर मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, शनि ग्रह का, राहु ग्रह का और केतु का, शनि राहु केतु इन तीन ग्रहों का दान ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए, ना ही ब्राह्मण को लेना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण नहीं लेता, पर कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं कि भी ब्राह्मण कुल में ये जन्म लिया इसने, तो इसे दे दो, तो वो उससे आप लोगों को पाप ही लगेगा और ब्राह्मण को भी दोष लगता है। ये मैं बता दूं, ऐसा नहीं है, उसको भी दोष लगता है और आपका भी ध्यान कोई अच्छा नहीं माना जाता। तो अतः इनके लिए आप गरीबों को चुने, शनि ग्रह के दान के लिए, राहु के लिए, केतु के लिए, इनको आप गरीबों के लिए चुने, गरीबों के लिए खूब कीजिए आपने जो करना है। तो ये बात हम अगर समझाएंगे तो सामने वाले को ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझ में आएगी। मैं मानता हूं कि मैं खुद ब्राह्मण हूं, वशिष्ठ मेरा गोत्र है, और परंतु ब्राह्मण जो होता है उसके पीछे दो रीजन है, उसे द्विज कहा गया है। द्विज का मतलब दो बार जन्म लेने वाला, वही ब्राह्मण है। जातिस का ब्राह्मण नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया है जो ब्राह्मण एक होने की क्रिया का नाम ब्राह्मण है, ब्राह्मण हुआ जाता है। पैदा तो हम सभी लोग शूद्र के रूप में होते हैं, पर ब्राह्मण बनना पड़ता है, उसका जन्म दो बार होता है, एक तो माँ की कोख से पैदा हुए जब जन्म हुआ, जब हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम गॉड को रियलाइज करते हैं, जब हम अनुभव करते हैं उस शक्ति का, उस चेतना का, उस ज्ञान का, तो व्यक्ति द्विज बन जाता है। जब वो द्विज बन जाता है तो ब्राह्मण कहलाता है। अब ऐसा कह के समझाएंगे तो बंदा टेंशन में आ जाएगा, बोला जी मैं किसको मानू कि कौन द्विज है कौन नहीं है, भाई इससे बढ़िया है कि मंदिर में चले जाओ। हाँ, राहु के दान के लिए मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, गुरुद्वारे में आप भेजा करें व्यक्तियों को, गुरुद्वारे में दान कराएं। गुरुद्वारे का संबंध जो होता है गुरु के साथ तो है, पर वहां पर राहु का शमन बहुत जल्दी होता है, यानी राहु बहुत जल्दी शांत होता है। वहां पर जो कड़ा प्रसादा मिलता है, उस कड़े प्रसादे पर जो घी होता है, वो भी एक तरह से राहु को शांत करता है। वहां पर आप देखेंगे जाकर के तो राहु को शांत करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। ये भी एक तरीका है, अगर आपका राहु शांत है तो भी पितृदोष डाउन ही है, आपका कमजोरी रहेगा, दबा रहेगा। द्वारे में जाकर के साफ सफाई करना, मंदिरों में जाकर के साफ सफाई करना, तो भी राहु ग्रह आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाएगा।
पर एक ज्योतिषाचार्य की ये एक्सपर्टीज होती है कि वो सही सही आकलन लगाए कि राहु अच्छा है कि बुरा है। कहीं राहु ऐसा तो नहीं कि बहुत ही उत्तम हो रहा है उसका और हम उसका बेचारे का दान धुन करा के उसका सत्यानाश करा दें, उसको कमजोर करने की क्रिया करें, क्योंकि राहु एक तरह से हमारे जीवन की सही सही जजमेंट का प्लेनेट है, सही सही प्लानिंग का प्लेनेट है। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए उसको राहु दिखाता है। राहु एक प्रकार से जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, जैसे जेसीबी मशीन्स है, बड़ी मतलब बड़े लेवल की जो मशीनरीज होती हैं, राहु उस चीज को प्रदर्शित करता है। अगर हम इंजीनियर हैं, जैसे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं बाय एजुकेशन, तो बड़ी जब मशीनों पे हमने जैसे काम किया है तो वो बड़ी मशीनरी राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। आपका इंटरनेट सारा का सारा राहु को रिप्रेजेंट करता है, पर सॉफ्टवेयर मरकरी को यानी कि बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें एग्जैक्टली समझ लेना है कि राहु अच्छा के बुरा। अब एक सूत्र बताता हूं आप लोगों को, किसी की नामांश कुंडली में यदि दसम भाव में राहु बैठा है तो उस राहु को कभी भी डाउन मत करना। नामांश कुंडली के दसम भाव में यदि राहु बैठा है तो उसके कभी भी राहु को डाउन करने का प्रयास मत करना। वो राहु एक ना एक दिन उस व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। तो एग्जैक्ट सिचुएशन को हमने पता लगाना है। दूसरी बात, 42 वर्ष की आयु के बाद, व्यक्ति के 42 वर्ष की आयु के बाद अगर उसके जीवन में राहु अच्छा है तो अच्छा इफेक्ट 42 वर्ष की आयु के बाद देगा, ये ध्यान रखना। कई बार हम आकलन भी कर लेते हैं कि अरे यार तेरी कुंडली का राहु तो बहुत अच्छा है, पर राहु यंग एज में नहीं देगा, राहु 42 वर्ष की आयु के बाद देगा। और ग्रह तो यंग एज में दे देंगे फायदा, और केतु 48वें वर्ष के बाद अपना उचित परिणाम देता है। जैसे कि मान लीजिए केतु ग्रह नवम भाव में बैठा है, खास करके धनु या मीन राशि में, क्योंकि ये बृहस्पति की राशियां हैं, बृहस्पति की राशि में या बृहस्पति के भाव में केतु अक्सर अच्छा फल दिखाता है, तो ऐसे में 48 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति जितना ज्यादा आध्यात्मिक होता चला जाएगा और धन से दूर होने का प्रयास करेगा उतना ही केतु उसको मालामाल बनाता चला जाएगा और उसके पास खूब धन आएगा। तो हमें बार बार, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स से भी कहता हूं, हमें ज्योतिष में बार बार प्रैक्टिस करनी है, ऑब्जर्वेशंस बहुत बना करके रखनी है, फोकस बना करके रखना है, तो हम चीजों को सही ढंग से समझ पाएंगे और लोगों की हेल्प कर पाएंगे।